सारा हिसाब किताब तो उनके पास है, हम 500 बार चक्कर काटे हैं सर। अच्छा, शिक्षा पदाधिकारी को आप इस बात संबंध में कह दिए? बोले थे क्या आश्वासन दिए थे? वो बोले कि हाँ हो जाएंगे, अगर नहीं भी हुआ तो मिलेंगे। हमने उनसे ये भी पूछा सर कि अगर अभी नहीं मिला है तो नहीं मिलेगा सर, बोला नहीं उसका सुधार करके मिलेगा, ऐसा आश्वासन दिए थे। अच्छा, हम लोग को आप लोग स्कूल बराबर आते हैं? हाँ, तो क्या आप लोग पूछते नहीं है सर से कि काहे नहीं? हाँ, अकाउंट में गड़बड़ हुआ होगा, फिर भी नहीं आया। के लिया था 500 टका। नीरज कौन है? किरानी है इसका? नहीं, नाइट गार्ड है वो। 500 रुपया आप लोग से लिया? एक ही आदमी से लिया कि सब से लिया? सभी से 500 टका लिया है। यहाँ का किरानी जो नाइट गार्ड रहता है, क्या नाम बताया उसका? आपका? आपका? खुशबू कुमारी। आपका? सपना कुमारी। प्रीति कुमारी। आपका? प्रीति कुमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल न्यूज। सिकटी प्रखंड मुख्यालय स्थित हाई स्कूल छात्राओं के अभिभावक ने हाई स्कूल प्रधान अध्यापक के ऊपर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। छात्राओं को मुख्यमंत्री योजना से मिलने वाली साइकिल की राशि से वंचित रखा। पिछले 2020 से बिहार सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साइकिल राशि मांग की। अभिभावक छात्राओं से साइकिल देने के नाम पर हाई स्कूल कर्मियों द्वारा 500-500 रुपया लिया, फिर भी छात्राओं को साइकिल की राशि नहीं मिला, जबकि अधिकारी के पास शिकायत भी की है। मंजर आलम की रिपोर्ट। नाम संजय कुमार सिंह हुआ। यही का है? नहीं, हम हाँ बोकंदरी पंचायत। अच्छा ठीक है, यानी कि सिकटी प्रखंड। क्या नाम हुआ आपका? ये सिकटी थाना क्षेत्र का है कि ये जो आपका भी बच्ची यहाँ पढ़ती है, तो क्या आपका बच्चा को क्या वो साइकिल का पैसा मिला? क्या कह रहा है आप, पूछे कभी? मास्टर साहब से नहीं पूछे हैं, बचवा से पूछे थे अपना बच्चा से। कितना दिन से आपका बच्चा यहाँ पढ़ाई करता है? साल भर से। आप लोग का मुख्य मांग क्या है? जी, हम लोग का मांग है सरकार जो बच्चों को सरकारी लाभ देता है पढ़ाई के लिए, वो लाभ मिलना चाहिए सर, नहीं तो लोग बच्चा कैसे पढ़ाएगा सर। आप अपना परिचय दे दिए, क्या नाम हुआ आपका? जी नमस्कार सर, मेरा नाम हरी सिंह हुआ, घर सिकटी, पंचायत मुरारीपुर। क्या समस्या आपके सर? समस्या ये है सर, हम एक गरीब व्यक्ति हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, और हमारी 4 बच्चियां हैं, लड़का नहीं है। चारों बच्चियां को पढ़ा रहे हैं, और सरकार का जो कहना है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो हमको अच्छा लगा, तो बच्चियां को पढ़ा रहे हैं, तो कुछ सरकारी लाभ जो सरकार दे रहे हैं, तो 1 क्लास से लेके 8 क्लास तक हमारे बच्चा का सारा सरकारी लाभ मिला। 2020 में कोरोना काल में 9वीं क्लास में थी बच्चा, तो उस समय जो साइकिल का और अन्य पोषाहार क्या क्या आते हैं उतना दिख नहीं है, वो सब जो पैसा आया वो पैसा हमारे बच्चा को नहीं मिला। तो जब हम पूछे तो बोला कि नहीं, आपका अकाउंट गलत है। किससे पूछे आप? हेड सर से पूछे। वो विद्यालय का नाम बताइए। विद्यालय का नाम है प्रोजेक्ट हाई स्कूल सिटी, जो कैंप और थाना के बगल में है। तो उसके बाद जो है पूछे तो बताया कि ऐसा ऐसा बात, अकाउंट गलत है। तो फिर बोला कि आप अपना अकाउंट दीजिए, तो हमारे घर पर भेजे थे तो हम अकाउंट दिए अपना। बोला हो जाएगा, हम बोले हो जाएगा, बोला हाँ हो जाएगा। तो उसके बाद भी नहीं हुआ, तो फिर पूछे तो फिर हेड सर हमको बोल रहे हैं कि इस बार 2 स्कूल का पैसा नहीं आएगा, 60 हाई स्कूल प्लस 1 फारबिसगंज का कोई स्कूल का नाम बताए, तो एक बार ऐसे बताए हमको। तो फिर हम एक बार आए तो बोले सर क्या हुआ हमारी बच्चिया का वो साइकिल छात्रवृत्ति ये सब जो है। बोला नहीं इस बार जो है ना, इस बार मिलवे नहीं करेगा। फिर बोला नहीं इस बार है ना पोर्टल बंद है। तो हम उनसे पूछे भी सर पोर्टल जो बंद होता है, तो बंद होने के पहले ना आप सारा प्रक्रिया करते हैं कि ना बंद होने के बाद? तो बोला नहीं नहीं बंद होने के पहले, लेकिन मौका नहीं मिला, ये हो गया वो हो गया, इसी तरह 2-4 बात बोल के गुमराह किए। फिर बोले कि नहीं आपका तो भेज दिया लिस्ट में, वही रिजेक्ट हो गया बैंक में। इसी तरह बोले कि बैंक में रिजेक्ट हो गया, तो इस तरह से गुमराह करके रखे। तो और बच्चा को मिला क्या? हाँ बहुत बच्चा को मिला, केवल आपका बच्चे लोग को बच्चिया को नहीं मिला? मेरा बच्चिया और भी कुछ बच्चिया है। तो उसके बाद जो है सर हम बोले भी तो कोई ध्यान नहीं देने लगे। तो उसके बाद डीओ साहब को भी लिख के दिए, तो वो बोले भी कि ठीक है हेड सर से बात कीजिए। गए तो वहीं से बात किए हेड सर, तो हेड सर को बोले भी डीओ साहब उस दिन
कि गलती आपका है तो बच्चा भुक्तभोगी क्यों भोगेगा। तो बोला ठीक है, इसको देख के जैसा होगा समस्या सॉल्व करेंगे। लेकिन एक दिन सर गए डीओ साहब के पास, वहाँ से फिर डीओ साहब फोन किए, अब क्या बोले नहीं बोले, कहता है नहीं नहीं आपका ही गलती है, अकाउंट गलत है। हम सारा बात मान लिए सर, हम गरीब मजबूर आदमी है सर, हम लोग का उतना आमदनी नहीं है सर जो बच्चा को पढ़ा सकेंगे। चार बेटी है सर, एक बी एड थर्ड ईयर में है, एक बी एस सी पार्ट वन में है, एक इंटर में है, एक पाँच क्लास में है सर। अगर सरकारी लाभ से हम लोगों को वंचित कर देगा तो बच्चा कैसे पढ़ाएंगे सर। सरकार बोल रहा है एक तरफ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ तो बेटी को चूल्हा में घुसा रहा सर। अच्छा, इसका जो आप जो है कैसे पता लगाए कि हमारा बच्चा का जो है पैसा अकाउंट में गया या नहीं गया, उसका कुछ आपके पास साक्ष्य के तौर पर कुछ है? जब सब बच्चा का पैसा जा रहा था तो हम लोग भी अकाउंट चेक किए तो नहीं आया, तब पूछे कि सर पैसा नहीं आया, तो इसी तरह का बात बताए। तो अकाउंट आप चेक किए उसका? ये अकाउंट चेक किए, अकाउंट में पैसा नहीं आया। तो उसके बाद जबकि हम अपना अकाउंट भी दिए थे मांगा तो उसमें तो भेजना चाहिए ना, नहीं भेजा। स्टेटमेंट निकाले हैं आप बैंक का? जी, तब दिखाइएगा, जाके स्टेटमेंट निकाले कल या परसों। तो स्टेटमेंट में है सर, अगर मेरा अकाउंट में नाम गलत है, यानी मेरी बचिया का नाम सही, आधार कार्ड सही, अकाउंट नंबर सही, उनका अभिभावक मैं हूँ, मेरे नाम पर सिर्फ एच ए के बदला में आई है, हरी के बदला में हीरी है, ठीक है सर, तो उसके चलते पैसा नहीं आया, जबकि पैसा अकाउंट नंबर से आता है। तो उसके बाद जो ठीक है अकाउंट नंबर मेरा गलत है, 2020 में कोरोना काल में जनरल विद्यार्थी को सारा लाभ देने का प्रावधान था सरकार का, बोल रहे हैं अकाउंट गलत है, तो उसी अकाउंट में 2020 में अकाउंट में पैसा नहीं आया। लेकिन वो अकाउंट में ये देख लिया जाए सर, 16/11/2022 में डीबी के माध्यम से 1500 यहाँ लिखा हुआ है, और 7/12/2022 में डीबी के माध्यम से 318 रुपया आया है स्कूल का, तो फिर ये पैसा कैसे आ गया सर उस अकाउंट में? सर ये पब्लिक को गुमराह कर रहा है सर। इसका दोषी आप किसको कहते हैं? इसका दोषी तो हम हेड सर को देंगे यहाँ के। जी सर, क्योंकि सारा हिसाब किताब तो उनके पास है, हम 500 बार चक्कर काटे हैं सर। अच्छा, शिक्षा पदाधिकारी को आप इस बात संबंध में कह दिए? बोले थे क्या आश्वासन दिए थे वो? वो बोले कि हाँ हो जाएंगे, अगर नहीं भी हुआ तो मिलेंगे। हमने उनसे ये भी पूछा सर कि अगर अभी नहीं मिला है तो नहीं मिलेगा सर, बोला नहीं उसका सुधार करके मिलेगा, ऐसा आश्वासन दिए थे। अच्छा।